नेक्स्ट आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 99 होल पावर 5, इसको बोला गया है एक्सपेंड करने के लिए। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे बायनोमियल के टर्म में, अगर तो ये कितना होगा 100 माइनस 1 और पावर 5 है, हाँ है ना, 100 माइनस 1 होल पावर 5 इसको हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। अब इसे हम लोग सेट करेंगे इसको बायनोमियल थ्योरम के टर्म पे। देखिए 5 है तो ये कितना जाएगा, 5c0 होगा पहला टर्म, दूसरे टर्म का जो कॉफिशियंट होगा वो होगा 5c1, तीसरे टर्म का कॉफिशियंट होगा 5c2, इसके बाद होगा 5c3, इसके बाद होगा 5c4, इसके बाद होगा 5c5, फाइव। अच्छा माइनस है यहाँ पे लगा हुआ, तो 1 है तो ऑड नंबर है, इसके आगे माइनस होगा, ये 2 इवन नंबर है प्लस होगा, 3 ऑड नंबर है माइनस होगा, 4 इवन है 5 माइनस होगा, ठीक है चलिए साइन में हो गया। अब देखिए 100 यहाँ पे कितना होगा, 100 टू द पावर 5 होगा, और 1 पे पावर कुछ भी कर लो वो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ भी देखिए 100 टू द पावर कितना होगा, 4 होगा, और 1 पे पावर कुछ भी होगा क्या फर्क पड़ता है। यहाँ भी होगा 100 टू द पावर कितना होगा, यहाँ पे 3, यहाँ 100 टू द पावर कितना होगा 2, यहाँ पे 100 होगा, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे 100 भी खत्म हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे 100 भी खत्म हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। 5c0 का वैल्यू 1 होता है और ये पावर 5 है, तो 1 2 3 4 5 ठीक है माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे 5c1 को तो ये कितना होने वाला है, 5 होने वाला है, और इसको जब इंटू करेंगे तो 1 2 3 4 होगा ना, 4 0 यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ 5c2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5c2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 5 factorial upon 2 factorial, और जब माइनस करेंगे तो 3 factorial से 3 तक तो वो खुद लपेट के चला जाएगा, बचेगा कितना 4 into 5, और अपॉन में 2 बचेगा, काटेंगे तो कितना होगा 10 होगा, तो 10 into 1 2 3 माइनस। जब इसको सॉल्व करिएगा 5c3 को तो भी ये कितना आने वाला है, 10 आने वाला है, और 100 का स्क्वायर अगर एक्सपेंड करिएगा तो ये होगा 10,000। 5c4 का वैल्यू आपका 5 होने वाला है, इंटू 100 करके ये 500 आएगा, और 5c1 का वैल्यू कितना होने वाला है, 1 होने वाला है ठीक है। 1 2 3 4 5 माइनस, इसको जब 5 से इंटू करिएगा तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 प्लस, इसको जब इंटू करिएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, और 1 0 और लग जाने वाला है यहाँ पर माइनस, इसको जब आप ब्रेक करिएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और 1 0 एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पर, और ये होगा 500 और माइनस 1 ठीक है, माइनस 1। जब इस पूरे को जब प्लस माइनस करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा मैं आपको बता दूं, ये होगा 9509900499 ठीक है 499।